असुर प्रलंब। एक दिन अपने साथियों के साथ जब कृष्ण और राम अपनी गायों को लेकर उन्हें चराने ले गए, एक अजनबी जंगल से बाहर आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ दोस्तों? हाँ जरूर, अगर तुम हमें कुछ नया खेल सिखाओगे तो। क्या तुम हिरन की तरह दौड़ सकते हो, अपने दोनों पैर एक साथ हवा में उछाल कर? नहीं, लेकिन लगता है कि इसमें मजा आएगा। ठीक है, तुम हमें सिखाओ, पर जीतने वाले को क्या मिलेगा? एक मजे की सवारी। जो हारेगा उसे जीतने वाले को अपने कंधों पर उठा के शुरुआत के स्थान पर ले जाना होगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। कृष्ण, तुम सुदामा के साथ दौड़ लगाओ और मैं दौड़ लगाता हूँ प्रलंब। मेरा नाम प्रलंब है। दौड़ शुरू हो गई। कृष्ण और राम ने उस दौड़ को जीत लिया। चलो अब मुझे उसी स्थान पर ले चलो। अरे रुको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें असुर राज्य में मेरे घर ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हें मेरा गुलाम बनाऊंगा। असल में प्रलंब एक असुर था जो चरवाहे के रूप में उस जंगल में आया था। तुम तो बहुत मजबूत और भारी हो, लगता है मुझे मेरे असली रूप में आना होगा। तुम्हारे साथियों को अलविदा कहो, अब तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। राम जोर जोर से चिल्लाने लगा, कृष्ण कृष्ण, यह असुर मेरा अपहरण कर रहा है। राम को उठाकर भागते हुए उस असुर ने अचानक अपनी गर्दन पर राम के पैरों की मजबूत जकड़ महसूस की। अरे राम, मुझे जाने दो। अगले ही क्षण वो असुर मृत हो गया। राम चलकर अपने साथियों के पास आ गया। हुर्रे हुर्रे। उस शाम गोकुल के सभी घरों में राम के पराक्रम की ही चर्चा थी। नंद, तुम पर ईश्वर की कृपा है, ये लड़का बड़ा होकर महान बनेगा। राम, तुम्हारी शक्ति का सामना करने का साहस किसी में नहीं है। आज से सभी तुम्हें बलराम कहेंगे। बलराम की जय हो। नंद ने दिया हुआ ये नाम सभी ने स्वीकार किया और उस दिन से राम बलराम के नाम से जाना जाने लगा।